दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। आजादी के समय से पहले बनी अमृतसर पुलिस लाइन की नुहार अब बदलने लगी है। पिछले काफी समय से बदहाल पुलिस लाइन के विकास के लिए अब पंजाब सरकार आगे आई है। इस मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी ने पुलिस लाइन का दौरा किया और जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक भी की। इस मौके पर अमृतसर के पुलिस कमिश्नर ने अपनी मांगों को निकाय मंत्री के आगे रखा। पुलिस लाइन है जी, इंडिपेंडेंस तो पहले नहीं बनी है, कुछ बिल्डिंगा तो बहुत पुरानी है, उन्होंने बहुत खस्ता हालत सी, कंडेम हो चुकी है, जिसे बैरकों के भी बड़ा हाल से, साढ़े कोता भी बड़ा हाल से, हॉस्पिटल का बड़ा हाल से, स्ट्रीट लाइटिंग चल रही थी। तो मैं तो मंत्री ने रिक्वेस्ट की थी कि तुम एक दिन पुलिस लाइन के विजिट रखो तो ये चीज़ों देख के सूँ करा के दो। अब मंत्री जी इतने आए थे, उन्होंने मैं बड़ा उन्होंने शुक्रगुजार हाँ कि उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट मान के इतने आए आके उन्होंने तुर के सारी पुलिस लाइन में एक एक चीज़ को बड़े इंट्रस्ट नाल देखा, देख के उन्होंने आज ही डायरेक्शन देती है कि ये एस्टिमेट बना के इमीडिएटली काम शुरू करें। वही निकाय मंत्री ने पुलिस लाइन की हालत को जल्द से जल्द सुधारने के लिए अपनी वचनबद्धता जाहिर की। पुलिस लाइन के बहुत सारे जो डिवेलपमेंट के काम रुके से, मैं बधाई देना अपना सीपी साहब नूं कि उन्होंने ये एफर्ट किया। ऐसे ऑफिसर है जिहड़े जिथे लॉ एंड आर्डर का ध्यान रखते उत्थे अपने जिहड़े पुलिस लाइन है जां बाकी जिहड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है इन्हां दा उहदा भी ध्यान करदे, ते इत्थे कुछ सड़कां दी, कुछ पेवर दी, पार्कस दी जिहड़ा वा उहनां दी डिवेलपमेंट दी, कुछ हॉस्पिटल आ उहदे छत दी रिपेयर आ, एक कंटीन है, स्ट्रीट लाइट है, सारा ही काम जिहड़ा भी इहनां दा एस्टीमेट बना के इमीडिएटली जिहड़े आ उहदे टेंडर ला के ते काम असीं करवावांगे जो इहनां ने कहा। एक तो यह है कि वैसे भी गवर्नमेंट दी इह ड्यूटी है साडी, नंबर दो मेरी कॉन्स्टेंसी भी है, इस करके भी ज़्यादा मेरा ये लगाव आ कि मैं समय समय से इतने आता रहना। पहला भी यह सड़क 6 महीने पहला असी बनाई सी, बाकी रही जो भी बहुत जल्दी काम करता जाऊ।